दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लिप टेस्ट, साइटिका, बैक पेन, दबी हुई नस का घर पर ही इलाज, जिसे हम एक बीज और सिर्फ एक पत्ती जो हमारे रसोई में उपलब्ध होती हैं वह साधारण सी चीज की मदद से बनाऊंगी औषधि, जो बहुत ही असरदार है। दोस्तों, बैक पेन हो रही हो, स्लिप डिस्क हो, या साइटिका हो, या दबी हुई नस हो, जिसे हम ज़्यादातर लोग समझते हैं, सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से ही पॉसिबल है, घर में इसकी इलाज नहीं करी जा सकती है। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि इसका इलाज हम घर में भी कर सकते हैं, साइटिका के दर्द को, कमर के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। साइटिका का दर्द, कमर का दर्द जो होता है वह बहुत ही भयंकर होता है, जो कमर से पूरी टांग में फैल जाता है। इससे काम करने में काफ़ी तकलीफ आती है और डेली एक्टिविटी करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो आज जो मैं आपको यह दो चीज़ें बताने वाली हूँ, इससे आपके कमर के दर्द का इलाज होगा, स्लिप डिस्क का भी इलाज होगा, साइटिका का इलाज होगा, और दबी हुई नस भी वापस से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यह बिना सर्जरी का उपाय है और सर्जरी कराने से बहुत बार यह और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे इलाज के बारे में बताऊंगी जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्लिप डिस्क साइटिका पेन, बैक पेन क्यों होता है, जिसे जानने से हम इसे सही ढंग से समझ पाएंगे, और यह हर इंसान के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क साइटिका वाले जो पेशेंट होते हैं वह बैठकर काम कर सकते हैं या नहीं, 8 से 9 घंटे बैठ सकते हैं नहीं, यानी डेस्क वर्क का जो काम है वह कर पाएंगे या नहीं। तीसरे, हम जानेंगे स्लिप डिस्क साइटिका किन चीज़ों से बचना चाहिए अगर आपको यह समस्या है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। फिर हम जानेंगे स्लिप डिस्क साइटिका यानी बैक पेन जो होता है, कमर दर्द हो या पैर में दर्द हो, तो इनमें कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है वो हमें करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी आपको यह दोनों ही घरेलू उपचार, जिसे आप आज से ही करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइटिका क्यों होता है। 90% साइटिका डिस्क स्लिप डिस्क होने के कारण होता है। हमारे कमर के नीचे वाले हिस्से में एक टिश्यू होता है जिसे हम लंबर रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर डिस्क होती है, छोटी छोटी गोली गोली डिस्क बनी होती हैं, उसे हम छल्ला भी बोलते हैं। ये डिस्क ऐसी होती हैं जैसे कोई स्प्रिंग होती हैं, जैसे स्प्रिंग आप दबाएंगे छोड़ेंगे, जैसे आप स्प्रिंग को अगर कोई काम के लिए दबाते हैं और वापस से वह अपने जगह पर आ जाती हैं, उसी प्रकार हमारा यह जो काम करता है छल्ला। तो शरीर में ऐसा ही अगर हम मुड़ते हैं, झुकते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है, तो उस समय यह जो डिस्क है वह स्प्रिंग का काम करती है, स्प्रिंग के जैसी, और वापस से वह अपने जगह पर आने लग जाती है। लेकिन लगातार अगर हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, या अचानक से हम झुक जाते हैं, या फिर झुक कर हम कुछ भारी सामान उठा लेते हैं, गलत पोजीशन का प्रयोग कर लेते हैं, गलत बिस्तर पे अगर हम सोते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर अगर हम कमर की तरफ से गिर जाते हैं कभी कभी, तो इसके वजह से क्या होता है, वो छल्ले अपने जगह से खिसकने लगते हैं और वहाँ पर नस दब जाती हैं, तो वहाँ पर सूजन रहने लग जाती है, और जिसे हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और दर्द भी काफ़ी देने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि डिस्क का जो लिक्विड होता है उसके अंदर एक लिक्विड होती है जिसे हम ग्रीस बोल सकते हैं, चिकनाई बोल सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं वर्टिब्राज का लिक्विड। तो यह लिक्विड क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, और इससे निकलने से नर्व कंप्रेस हो जाता है, और जिसे साइटिक नर्व है वो भी दब जाते हैं, जिससे पूरा जो यह दर्द है पूरे टांग में फैलने लग जाता है और काफ़ी तेज़ दर्द होने लग जाता है। यह कमर से शुरू होता है और हमारे हिप से होते हुए यह हमारे टांगों तक भी चला जाता है, और सही समय पर इसके अगर हम इलाज ना करें तो इससे हमारे पिंडलियों में दर्द रहने लगेगा, और कभी कभी तो यह पैरालिसिस तक की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर हम डेस्क वर्क करेंगे, लगातार 7 से 8 घंटे बैठेंगे तो क्या होगा। अगर हम लगातार बैठते हैं तो डिस्क जो है हमारी वो दब जाती हैं, और वहाँ से
जो लुब्रिकेशन है, चिकनाई है, वह बाहर निकलती है और वहाँ पर छल्ले में सूजन, मांसपेशियों में सूजन दिखने को मिलते हैं और नसें भी और ज़्यादा दबने लगती हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, और अगर हमारा बैठने वाला काम है तो आपको क्या करनी है, हर 15 मिनट पर, शुरू में अगर दर्द है तो उठकर आपको कम से कम 2 मिनट के लिए टहल के वापस से बैठकर अपना काम कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी जो टाइम है बढ़ाकर आधे घंटे फिर 1 घंटे भी लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार करने से आपके जो छल्ले हैं वो नहीं दबेंगे, जिसे जो साइटिक नर्व है वो भी नहीं दबेगी। दूसरा आपको क्या नहीं करना है, भारी वजन झुक कर नहीं उठानी है कमर की तरफ से। जब तक दर्द है बिल्कुल भी भारी वजन ना उठाएं और एकदम से आपको कमर से नीचे नहीं झुकना है, यह भी आपको इग्नोर करना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है नीचे से कुछ सामान उठाना तो घुटने मोड़ कर तब नीचे बैठकर कुछ सामान उठाएं। साथ ही आपको क्या करनी है, अगर आप सो रहे हैं तो बहुत गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना है और बहुत ज़्यादा हार्ड बिस्तर पर भी नहीं सोना है। अब आइए हम जान लेते हैं कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप नसों की कमजोरी और सूजन दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है पारिजात की पौधे। पारिजात की पत्तियां आप लेकर आ जाइए तो इसके खाने के तरीके जानने बहुत आवश्यक होते हैं। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले दिन आपको ले लेनी है एक पत्ती पारिजात की, सिर्फ एक पत्ती आपको लेनी है। और इस पत्ती को आप क्या करेंगे, काली मिर्च होती है, एक काली मिर्च की गोली यानी जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, पारिजात की पत्ती में लपेट कर और इसे चबा चबा कर खा लेंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, सूजन दूर होगा। फिर दूसरे दिन आपको क्या करनी है, 2 पारिजात की पत्ती और 2 काली मिर्च खानी है। तीसरे दिन आपको 3 पारिजात की पत्ती और 3 काली मिर्च, इसी तरह से 7 दिन, सातवें दिन में आप 7 पारिजात की पत्ती और 7 काली मिर्च को एक साथ खानी है। वापस इसे कम करना शुरू कर देंगे, एक सातवें दिन के बाद आप वापस से 1 पारिजात की पत्ती और 1 काली मिर्च, इस तरह से 15 दिन आपको खानी है। ऐसा करने से आपकी सूजन दूर होगी, आपको दर्द भी दूर होगा और रिलैक्स महसूस होगा। लगातार इस तरीके से आप इसे 15 दिन करके देखें, उसके बाद मुझे बताएंगे दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। यह गेठिए के दर्द हो, साइटिका के दर्द हो, पारिजात की पत्ती बहुत अच्छा काम करती है इन सारी ही समस्याओं को दूर करने के लिए। तो वात बनाने वाली चीज़ें जो हैं आपको नहीं लेनी चाहिए, यानी जो भी चीज़ खाने से अगर आपको गैस, एसिडिटी हो जाती है तो उसका सेवन आपको नहीं करना है। अब एक्सरसाइज में आपको कौन सा एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने वाली एक्सरसाइज, कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, रनिंग भी नहीं करनी है। इसमें आपको बहुत ही आसान सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। योगासन में आप भुजंग कर सकते हैं, भुजंगासन बहुत काम करती है। मरकटासन कर सकते हैं, यह कमर को फ्लेक्सिबल बनाती है और जिससे साइटिका दर्द में और सूजन में भी आराम मिलता है। तो अभी मैं आपको सोने का तरीका बता देती हूँ किस तरह से आपको तो सोना है। तो आपको सीधा होकर नहीं सोना है, या तो राइट करवट यानी दाहिने तरफ लेकर करवट सोएं या बाएं तरफ करवट लेकर सो सकते हैं, इससे आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। अब कैसे ये सब चीज़ें काम करेंगी, तो जैसे आप देखते होंगे कहीं भी अगर हमारा कट लग जाता है, घाव हो जाती है, तो अगर उसको हम बार बार खरोचते रहें तो वह घाव और भी भयंकर होती चली जाती है। उसी प्रकार से अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारे डिस्क जो हैं वापस से वो अपनी जगह पर आने लग जाएंगे और जो नस दब गई हैं वो भी धीरे धीरे हमारी इन्फ्लेमेशन यानी जो सूजन हो गई है, घाव हो गई है, उसको ठीक करने के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो असरदार बीज होती है वह होती है मेथी दाना। मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, मेथी दाना को आपको क्या करनी है, रोज ही 1 छोटी चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगो दे और इसे रात भर भिगो के छोड़े, सुबह भिगोए हुए मेथी दाना को हल्का गुनगुना करके आप सुबह खा लें और इसके पानी को भी पी लें। यह आपके सूजन को दूर करेगा क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ यह आपके वात की समस्या को भी दूर करेगा और खून की कमी को भी दूर करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ में भी यह बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ही काफ़ी होता है। अब हम जान लेते हैं कि नसों की कमजोरी और सूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। पारिजात की पत्ती का सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है ज़्यादा फायदा के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बनती है तो आप नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद
आप इस पत्ती को काली मिर्च के साथ लें जिस प्रकार से हमने बताया है।